Shapath. जंग बहादुर, कैसे चल रहा है राजकाज? चौरसिया, राज तुम चला रहे हो, काज जनता संभाल रही है, और तुम्हारे राज में ये मंत्री राणा जंग बहादुर जिंदगी के मजे चकरा है? मंत्री, हम सोचते हैं कब तक बिना ताज के शहर पर राज करते रहेंगे, इसलिए सोचा है कि अब अपने लिए एक बढ़िया सा ताज बनवा ही लूं। देखेगा परमेश्वर कैसे चौरसिया का ताज पहनेगा राजेश्वर। अरे जिंदगी से प्रेम खत्म हो ही गया है जो यहाँ चलाया है। मौत से कब डरता है ये राजेश्वर? जानता हूँ चौरसिया तुम्हारी हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है। गलत फहमी है तोरी, चौरसिया दुश्मनी भी करता है तो बराबर वालों से। यहाँ आने का कारण बताओ। मेरा एक बहुत पक्का विदेशी दोस्त है जो हमें बंदूकें बारूद टैंक से लेकर हवाई जहाज तक सप्लाई कर सकता है, जिन्हें हम आतंकवादियों को पड़ोसी मुल्कों को जिस कीमत पे चाहे बेच सकते हैं। जिस रास्ते से तुम चरस अफीम कोकीन लाते हो उसी रास्ते से हम ये सामान ला सकते हैं। देखो चौरसिया, रास्ता मेरे पास भी है लेकिन मेरा रास्ता छोटा है, तुम्हारे पास कनेक्शन है, मैन पावर है। बोल चुके हमको ये सौदा मंजूर नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जब लोग नशे के जहर से मरते हैं तो वो अपनी मौत खुद मरते हैं, उनकी मौत पर कोई दो आंसू बहाने वाला नहीं होता। लेकिन जब लोग गोली या बारूद से मरते हैं तो उनके मरने पर पूरे मुल्क में आंसुओं का सैलाब आ जाता है, बात दिल्ली तक पहुंचती है। मंत्री, हमको तुम्हारी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, हम तुमको हिस्सा देने वाले, पैसा देने वाले और काम करवाने वाले। ये मत भूलो बरखुरदार कि हम वो नींव हैं जिस पर तुम्हारे जुर्म की इमारत खड़ी है। मेरी नजर में तुम देश की दलाली करने वाले दल्ले हो। ए राजेश्वर, बहुत बोलने लग गया है रे तू, करियर चाहिए तो अपने पिंजड़े में लौट जा। और एक बात कान खोल के सुन ले बचुआ, इस शहर में बंदूक और बारूद की स्मगलिंग न तुम करोगे और न हम करूंगा, ये हमारा फैसला है, समझ गया? जा। चल लंकेश्वर। भैया उसकी किस्मत अच्छी थी मेरे पास पिस्तौल नहीं थी, वरना उसी वक्त उसके सीने में मैं लोहा भर देता। आइए लंकेश्वर, चौरसिया को मारना इतना आसान काम नहीं जी। मतलब हम धंधा नहीं करें? हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम करेंगे धंधा, हम करेंगे। इस शहर में बंदूकें भी आएंगी और बारूद भी। डॉक्टर, तुम हमारे साथ हो? यो,
तुम हमको जूता मारो पर ऐसे सवाल मत करो जी। और राजेश्वरा, हम तुम्हारा, हमारा पैसा तुम्हारा, हमारा नार अस्पताल तुम्हारा, और ये चौरसिया बहुत डेंजर, वो तुम्हारे को ये माल अंदर नहीं लाने देगा जी। उसका रास्ता मैंने सोच लिया है। तुम्हारा मतलब चौरसिया का मौत? चौरसिया की मौत, लेकिन अगर राजा की पावर खत्म करनी हो तो पहले वजीर को मारना चाहिए। मंत्री को मारेंगे कैसे भैया? ये काम अब्दुल करवाएगा। अब्दुल ठीक है भाई साहब, देख रहा है परमेश्वर कैसे राज करेगा राजेश्वर। दुश्मनों का भेजा हुआ तीर जो आपकी मौत लेकर आया था। मुझ पर चलने वाली गोली तुमने अपने सीने पर झेली और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? होगा भी कैसे, मेरे साथ मां जो है, सच्चा बनकर सच्चे दिल से एक बार मां को बुलाओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व। जय माता दी। तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी देखकर मैं तुम्हें प्रमोशन देता हूं। आज से मेरी सिक्योरिटी के तुम चीफ कमांडो हो। थैंक यू सर। मुझे माफ कर दो भाई, सिर्फ एक मौका दो। मौका देता है परमेश्वर, मौत देता है राजेश्वर। मेरे लिए तो राजेश्वर ही परमेश्वर है। लंकेश्वर, छोटे अब्दुल ने राजेश्वर को परमेश्वर बना के जिंदगी मांग ली है। मुझे खुशी है कि तू मुझे चाहता है, आखिर तू मेरा वफादार है। भाई भाई, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, आजा मेरे गले लग जा। शाबाश शाबाश। राजेश्वरा, लंकेश्वरा, बैठ जाइए, मैं गुड थॉट जी। ये राणा और चौरसिया हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा जी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा जी। डॉक्टर ठीक कह रहा है भैया, मंत्री की सिक्योरिटी इतनी बढ़ गई होगी कि अब उसे मारना नामुमकिन है। मंत्री मरेगा भैया, तुम लोग सिर्फ देखते जाओ। कैसे? मंदिरों में बैठा रहेगा परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर बनेगा राजेश्वर। तुम? हाँ मैं। छोड़ो ना मुझे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। हट, बेशरम कहीं के, छोड़ो ना मुझे। मेरी जान, अब तुम मेरे प्यार के बंधन में बंध गई हो, इसे तोड़ सकती हो तो तोड़ कर दिखाओ। ऐसा? By God, तुम्हारे गोरे बदन ने तुम्हें दीवाना बना दिया। Shut up. शालू, मैंने तुम्हें पूछे बिना एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? आज से ठीक 7 दिन के बाद शिव मंदिर में हमारी शादी का इंतजाम करके आया हूँ।
मेरे बारे में बिना कुछ जाने तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। अर्जुन तुम सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? पहले वादा करो मेरा जवाब सुनकर तुम दीवाने नहीं होगे। वादा। We'll be right back.
राजेश्वर, राणा जंग बहादुर पे गोली चलाए कि तुम अपनी मौत को दावत दिया है बचुआ। एक बात बताएं, इस शहर का मौसम भी बदलता है ना, तो हमसे पूछ के बदलता है। मौसम बनाता है परमेश्वर, उसे बदलता है राजेश्वर। देख चौरसिया, मैं वो तूफान हूं जो तेरे फैसले को नहीं मानता। बबुआ, हम वो चट्टान हैं जिससे टकराए के बड़े से बड़ा तूफान भी रेत के कंकर की तरह बिखर जाता है। इस शहर में बंदूक को बारूद नहीं आएगा, ये हमारा फैसला है। बंदूक और बारूद तो इस शहर में आएगा, ये हमारा फैसला है। ऐसा? तो फिर ये हमारा फैसला है। लगता है शेर बूढ़ा हो गया है, जो जंगल में नहीं घर बुलवा के शिकार करता है। मौका अगर बराबर का हो तो मुकाबले का मजा आएगा, तब देखेंगे कौन किसका शिकार करता है। ऐसा? तो चलो, चौरसिया तेरा चैलेंज कबूल करता है। जरा नजर घुमाए कि चारों तरफ शहर की तरफ देख ले। ये शहर तेरा जंगल है और तू हमारा शिकार। 3 घंटे का टाइम देता हूं, जहां मन में आए जाके छुप जाना। 3 घंटे के बाद चौरसिया तेरा शिकार शुरू करेगा। आज देखेगा परमेश्वर, शिकार बनता है या शिकार करता है राजेश्वर। देख लेना, देख लेना। यस सर। पुलिस को जाके खबर कर दो कि जंग बहादुर पे गोली राजेश्वर चलवाए रहा। ओके सर। आज शहर में 2 खतरनाक ग्रुप के दरमियान जबरदस्त खून खराबा हुआ, जिसमें 21 व्यक्तियों की हत्या हो गई। पुलिस ने उस खूंखार आतंकवादी का पता लगा लिया है जिसने पिछले दिनों राणा जंग बहादुर पर हमला किया था। गौर से देखिए, ये राजेश्वर है। जनता से निवेदन है कि जहां कहीं ये नजर आए, फौरन नजदीक के पुलिस स्टेशन में खबर करें। जानकारी राजेश्वरा, ये तुमने क्या किया जी? हम तुमको बोला पंगा नहीं लेना। अयो मुर्गा हेल्प। भाई सारे शहर में चौरसिया के आदमी हमें कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। ओए राजेश्वरा, सब खत्म, सब कलात हो गया जी। अयो राना और चौरसिया मिलकर हमारे सब अड्डों पर रेड मारा जी। और तो और, तुम्हारा फोटो टेलीविजन पर आतंकवादी लिख कर दिखाया जी। अब तुम क्या करेगा जी? तुम भी मर गया जी, हम भी मर गया जी। अब क्या करेगा? अब हमें शहर क्या देश छोड़कर जाना पड़ेगा। चौरसिया ने हमें बर्बाद कर दिया। शहर तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन चौरसिया के हमले का जवाब देने के बाद आज देखेगा परमेश्वर कैसे मंत्री को मारता है राजेश्वर। ओके। आपको फिर से आना पड़ेगा। एक मिनट, मेटल ड्रेस पहनी हो ना, इसलिए। जाइए मैडम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनने आई हूँ। अरे अब मैं मिनिस्टर को संभालूं या तुमको? मुझको। विपक्ष की बात ही निराली है। हम जो कहते हैं या करते हैं वो उसका विरोध करते हैं। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पर कीचड़ उछालना वो अपना काम समझते हैं। हम जनता की सेवा करना अपना फर्ज समझते हैं, तो हमारी बुराई करना वो उससे भी बड़ा फर्ज समझते हैं। आजकल उन्हें एक नया जुमला मिल गया है। कहते फिरते हैं कि राणा जंग बहादुर की बहादुरी को जंग लग गया है। अब उन्हें क्या मालूम कि हमारी बहादुरी स्टेनलेस स्टील की है, जिसमें जंग लग ही नहीं सकता। मेरे देशवासियों, वो ये भूल गए कि पिछले दिनों हम पर एक कातिलाना हमला हुआ था, लेकिन हम मैदान छोड़कर भागे नहीं, डटे रहे। अरे हम सरफरोश हैं, सरफरोश। और हमारा कहना है कि
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दुश्मन जितने चाहे मुझ पर हमले करे, मेरे शरीर को गोलियों से छलनी छलनी कर दे, मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं अपने देश को हर कीमत पर बचाऊंगा। मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की रक्षा करते हुए कमांडो अर्जुन श्रीवास्तव कश्मकश में पड़ गए। फर्ज के बीच उनकी मोहब्बत आ गई और अर्जुन श्रीवास्तव ने फर्ज से ज्यादा मोहब्बत को जिंदा रखना जरूरी समझा, जिसके कारण मिनिस्टर राणा जंग बहादुर की हत्या हो गई। इसलिए अर्जुन श्रीवास्तव को एक गैर जिम्मेदार ऑफिसर करार देते हुए कमांडो की पोस्ट से डिसमिस किया जाता है। जान से प्यारे अर्जुन, मैंने जब भी तुम्हें अपनी असलियत बतानी चाहिए, तुमने मुझे रोक दिया। मैंने राजेश्वर के कहने पर तुमसे प्यार का नाटक किया, लेकिन अनजाने में सचमुच प्यार करने लग गई। जब तुम्हें चिट्ठी मिलेगी, राणा जंग बहादुर मर चुका होगा और मैं तुम्हारे प्यार के बंधन को हमेशा के लिए तोड़कर दूर जा चुकी होंगी। हो सके तो कभी प्यार से याद कर लेना। तुम्हारी शालू। लंकेश्वरा, तुम्हारा दिमाग उससे कबाट दीजिए। अब इसके अंदर ठंडा पानी डालकर मेरी बात सुनो जी। तुम 3 साल से चौरसिया के साथ पंगा लेते जी। अब चौरसिया तो सिर्फ हमको धमकी दिया जी, अगर वो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया ना जी, तो तुम खाना कैसे खाएगा जी, तुम दारू कैसे पिएगा जी, तुम डंडा कैसे मारेगा जी। डॉक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया वो पूरा होगा, हाँ? जो रास्ते में आया फिनिश। सर जी, राणा जंग बहादुर की हत्या क्या हुई, मानो शहर में खून का सैलाब आ गया। पिछले 3 साल में कई मंत्री मारे गए, जगह जगह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। सर जी, बेगुनाह लोग। अगर 3 सालों में यह हाल है तो आगे क्या होगा। सत्यजीत, तुम कहना क्या चाहते हो, ये मौत का खेल मैं खेल रहा हूँ? अरे नहीं सर जी, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। और क्या मतलब था? राणा के मरने के बाद पिछले 3 साल से उसका मंत्री पद मैं संभाल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अरे रघुवीर जी, आप? रघुवीर जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया आप? बातें कुछ ऐसी है, हमारी पार्टी का एक मेंबर विदेशी ताकतों से मिलकर मंत्रियों की हत्या करवा रहा है, ताकि हमारा देश आतंकवाद और डर से घिरा रहे। हमारी पार्टी का मेंबर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
उसका नाम क्या है? आज रात मुझे उस देशद्रोही के नाम का पता चल जाएगा और कल सुबह पार्टी मीटिंग में उसे सबूत के साथ एक्सपोज कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, काम बहुत खतरे का है, कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी मीटिंग होने से पहले आपको कुछ हो जाए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। हेलो। कल सुबह? ठीक है सर। कल सुबह क्या होने वाला है? कुछ नहीं बेटी, रघुवीर जी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खतरा ले रहे हैं। डैडी, पॉलिटिक्स में कदम कदम पे खतरा है। बाय डैडी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। ओके बेटी। तुमने ठीक कहा बेटी, कदम कदम पर खतरा है। लग रही मेरी दुल्हन। राहुल, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम आईने में मेरी मांग भर के बात उड़ा देते हो। और मेरी स्वीट हार्ट, ये सिंदूर की डिब्बी हर समय अपने पॉकेट में लेकर इसलिए घूमता हूँ कि जब मुझे मौका मिले फटाक से निकाल कर ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दूँ। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे जो प्यारे मुछड़ भाई है ना, जब तक उनकी शादी नहीं होगी हमारी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर आज छेड़ो ना भैया से शादी की बात। क्या बात कर रही हो, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था, मैं और भैया के सामने शादी की बात छेड़ूंगा? नहीं बाबा, नहीं, मेरे से नहीं होगा, उनका दिमाग तो हर समय हॉट ही हॉट रहता है। अच्छा, तो अब पता चला। एनीवे, हम दोनों मिलके तो बात छेड़ सकते हैं ना? ये बात ठीक है, तो आज हम भैया को ऐसा फंसाएंगे कि वो हमसे बच नहीं पाएंगे। कौन बच नहीं पाएगा और कौन किसे फंसाएगा? भैया, आप कब आए? आपके लिए ठंडी चाय लेकर आऊं? नहीं नहीं, भैया के लिए गरम गरम लस्सी लेके आना। यानी कि गर्मा गर्म जूस? हाँ चलेगा। वो कैसी बातें कर रहे हो? भैया आज आप बहुत थके हुए लग रहे हैं और बहुत गुस्से में भी लगते हैं। इसलिए भैया, इंसान को जिंदगी में सुख दुख बांटने वाले की जरूरत होती है। क्या भैया? भैया अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, पहले सहरा बांधे बड़ा भाई, फिर घोड़ी चढ़े छोटा भाई। गधे, तो चढ़ जा घोड़ी पर, बांध ले सहरा, कर ले शादी, मैंने कब मना किया? नहीं नहीं, पहले बड़ा भाई और फिर छोटा भाई। हाँ, पहले बड़े मियाँ और बाद में छोटे मियाँ। इसलिए हमने भाभी घर में लाने का लेटेस्ट आइडिया सोचा है। इसलिए भाभी को डिस्को ले जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, भैया को डिस्को ले जाएंगे। डिस्को? हाँ, और वहीं से भाभी को पसंद करके लाएंगे। पागल हो गए तुम लोग, मैं डिस्को वाली को घरवाली बना कर लाऊंगा। भैया आजकल तो डिस्को में बड़ी बड़ी खानदानी लड़के भी साड़ी वाड़ी बन के आती है। और डिस्को और मैं डिस्को कभी नहीं जाऊंगा। भैया आज मेरे जन्मदिन पे भी आप नहीं चलोगे? आज तेरा जन्मदिन है? 27 नवंबर? आज मैं कैसे भूल गया? जन्मदिन मुबारक। थैंक यू भैया, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। इनके जन्मदिन की पार्टी रखी है डिस्को में।
अंगूर की बेल, पति हमेशा दारू पी के पत्नी को मारता है, लेकिन इधर देखो मामला ही उल्टा है।
हर रोज अपनी पत्नियों से पिटके आ जाते हैं। शक्ति सिंह, मर्द सारी दुनिया पर रोब जमा सकता है मगर अपनी औरत पर नहीं। एक बात और सुन लो, हर पति अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। म्याओ। चुप, मैं बिल्ली नहीं हैगा। ओए बिल्ला हूँ बिल्ला, इतनी जोर से चिल्लाता हूँ कि बाजू वाली बिल्ली भी डर के, मेरा मतलब है पत्नी डर के भाग जाती है, और जो मेरी बीवी है ना, छोटे से चूहे की तरह चू 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 करती हुई बिल में घुस जाती है। इसका मतलब आपने उसकी फूफू करवा दी, मतलब डरती है आपसे? अरे डरती है, देखना मैं सांडनी है सांडनी, लेकिन मुझे देखते ही सूखे पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है। अच्छा आगे सुनो। सुनाओ। वो मैं कहता हूँ पानी लेके आ, वो डरती हुई साथ में दूध का गिलास लेके आ जाती है। वाह वाह वाह। मैं कहता हूँ दूध के गिलास के साथ आलू का पराठा क्यों नहीं लेके आई, वो डरती हुई कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आई 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 आई। अंगूर की तुम बल, अंगूर की बेल, पत्नी को देख के इंजन हो गया मेरा फेल। क्यों जी, इन लोगों के साथ क्या बकवास कर रहे थे, जरा मैं भी तो सुनो। ओ मेरा कान छोड़ दे। ओ मैं बकवास नहीं कर रहा थी, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। मैं इनको कह रहा था मेरी पत्नी को देखो, आहा वो कितनी पतली नाजुक श्री देवी है वो। कार दे कपड़े क्यों ने धोए, वो पानी चला गया सी। पोछा क्यों ने लगाया, पोछा गुम हो गया सी। तेरी बड़े हीरो बन के सवेरे सवेरे थाने चले आए, मुझे नाश्ता क्यों ने दिया। वो गैस मुक गई थी, खत्म हो गई थी। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सुनो जी, हाँ जी। मैं जरा जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर। कल खोल कर सुन लो, सुन रहा। वापस आने पर मुझे कपड़े धुल कर रस्सी पे सूखते हुए नजर आने चाहिए, वरना मैं तुम्हें निचोड़ कर रस्सी पे टांग दूंगी, समझे। समझ गया, नमस्ते। और एक बात, हाँ जी। बैंगन दा भरता, हाँ जी। और आलू दे पराठे तैयार रखना, हाँ जी। वरना मैं तुम्हारा पराठा बना खा के बैठा हुई थी। वो दिन कब आएगा जब मैं इस मोटी भैंस को मार मार के अड्डा पट्टा बना दूंगा। ये मरती क्यों नहीं है, ये मरती क्यों नहीं है, मरती क्यों नहीं है? आपने मेरे को सद्या सर, जीप निकालो। जीप नहीं, जीप निकालो। ओ जीप। एथो जामा, एथो। शुक्रिया। आओ, 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 क्या कर रहे हो तुम? क्या करूं? कोई देख लेगा। तो क्या हुआ? Everyone knows about us. इस वक्त बेकार की बातें छोड़ो। तो? एक इम्पोर्टेंट रेड पर जा रही हूँ। रेड? हाँ। कौन सा रेड? कैसा रेड? पिकनिक कॉटेज पर बिल्ला सुपारी आने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर जो पुलिस के हाथों से हर वक्त बचकर निकला है। इस बार नहीं बच पाएगा, मेरे पास एक आइडिया है। Don't worry about it. जब बिल्ला सुपारी आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर कविता हमें कोड वर्ड देंगे। क्या कोड देगी सर? I love you. Turn the music back on. फट गया। क्या हुआ? बड़ा उच्चा बज रहा है। I love you. I love you. I love you. क्या? ठप, आवाज नहीं आ रही सर। सर प्रॉब्लम। Come on. पुलिस वाली है या गैंग वाली है? इंस्पेक्टर किशन, ये सब क्या है? सर, बिल्ला की जेब से ये इंपॉर्टेंट पेपर मिला है,
यानी बिल्ला और ये रघुवीर जी का खून करने वाले थे और तुमने इन्हें एनकाउंटर में मार डाला, अपने हाथों से अपना केस बेकार कर दिया। आज अगर इन्हें जिंदा पकड़ लेते तो मंत्रियों की हत्या का केस सॉल्व हो जाता। सर अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो हम दोनों की लाशें आपको यहाँ मिलती। तुम्हारा हमेशा का एक ही जवाब है, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन, एनकाउंटर। तुम अकेले पुलिस ऑफिसर हो जिसकी रिकॉर्ड में अरेस्ट कम एनकाउंटर ज्यादा है। तुम्हारे इस बर्ताव को देखकर तुमसे ये केस मैं वापस लेता हूँ। लेकिन रघुवीर जी की जान खतरे में सर। उनकी हिफाजत के लिए पूरी पुलिस फोर्स है, मुझे और एक एनकाउंटर नहीं चाहिए। लेकिन सर। शट अप, दैट्स एन ऑर्डर। एंड नाउ वास्ते एनकाउंटर ही ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो। आया सर। पिछले हफ्ते रघुवीर जी मुझसे मिले, उन्हें कुछ जानकारी मिलने वाली थी जिसकी मदद से वो आज इस मीटिंग में किसी भ्रष्ट मंत्री का पर्दाफाश करने वाले थे। लेकिन कौन जानता था कि आज हम लोग इसी मीटिंग में उनके मौत पर अफसोस करने के लिए जमा होंगे। खैर, जैसे विधाता की मर्जी, आप लोगों की मर्जी से मैं रघुवीर जी का पद स्वीकार करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी पार्टी के एक ईमानदार नेता की इतनी बेरहमी से हत्या की गई और हमने क्या किया? एक 10 रुपए का हार उनकी भोटों पर चढ़ा दिया और 2 मिनट मौन धारण कर लिया। मत भूलिए रघुवीर जी वो हीरा थे जिनकी रोशनी में भारत का भविष्य जगमगा रहा था। आपकी बात सही है, लेकिन क्या करें, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। नहीं सर जी, नहीं, जिंदगी और मौत तो आज चंद आतंकवादियों और देशद्रोहियों के हाथ में है जो इस देश को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन सर जी मुझे यकीन है कि रघुवीर जी की मौत के पीछे किसी ऐसे बड़े गिरोह का हाथ है जिसे इस शहर का कोई बड़ा आदमी प्रोटेक्शन दे रहा है, तभी तो पुलिस छानबीन करती है लेकिन पकड़ा कोई नहीं जाता। सत्यजीत, बोलने से पहले सोच लिया करो, मत बोलो बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर शक करना तुम्हें और हमें मुसीबत में डाल सकता है। सत्य बाबू, आप इत्मीनान रखिए, बंदूकों की स्मगलिंग और रघुवीर जी की हत्या के पीछे जिनका भी हाथ है वो जल्दी ही कानून के हथकड़े पहने होंगे। जी, कानून तो कठपुतली है सूर्या, जिसकी डोर हमारे हाथ में है। लंकेश्वर उस डोर को हमारे हाथ से खींचना चाहता है। हम उसको पहले चेतावनी दिया हूँ, आज ऐसे समझाऊंगा ससरे को कि होश ठिकाने में आ जाएगा। वाई गवाह। आओ लंकेश्वर, आओ बैठो। अभी भी तुम इस शहर में चौरसिया के परमिशन के बगैर आतंकवादियों को हथियार बेच रहा है? धंधा नहीं करूं, हाथ काट कर बैठ जाऊं। अरे मुन्ना, हाथ का हम तोरी मुंडी काट के ऐसे प्लेट में सजाए के तोरे घर वालों को तोहफा में भेज सकते हैं। मगर क्यों, क्या कसूर है मेरा? हथियार, हीरोइन, कोकेन, बम, बारूद, इन सब का बिजनेस करने का अधिकार इस शहर में हमरा है, और तू हमरे मना करने के बावजूद भी हथियार का कारोबार इस शहर में चलाए रहा है। मुझे आपने कब मना किया? 100 बार मना किया। 100 बार? मुझे तो एक बार भी याद नहीं, शायद मैं भूल गया। भूल गया? लगता है तेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। आज हम तेरी याददाश्त का ऐसा इलाज करेंगे कि तू आखिरी दम तक याद रखेगा। चौरसिया, ये धोखा है। घबराओ नहीं मुन्ना, हम तेरा हाथ नहीं काटेंगे, छोटी उंगलियां काटेंगे। चाहे फिर तू हमरी भारनिक को भूलेगा नहीं, के बाद चौरसिया के उसूलों पे जीना सीख जाएगा।
निकल जा। तुम्हारा याददाश्त कमजोर पड़ने लगे तो कटी उंगली की तरफ देख लेना, तब खुद बहुत याद आने लग जाएगा। अयो लंकेश्वर, हम तुमको बोला चौरसिया बहुत डेंजर है। मुझे चौरसिया चाहिए, मुर्गा चाहिए मुझे चौरसिया। जब तक चौरसिया को काटकर उसके टुकड़े टुकड़े करके चौराहे पर बिछा नहीं दूंगा, तब तक मेरे बदन का खून मुझे तेजाब की तरह जलाता रहेगा। चौरसिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल है सर, इट्स इम्पॉसिबल। वो लोग बहुत स्ट्रांग है सर। अच्छा, स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अबोल, कौन स्ट्रांग है, मैं या चौरसिया? बोल, हाँ? मैं स्ट्रांग हूँ। अयो तुम पागल हो गए जी, तुम उधर का गुस्सा इधर निकलता है जी। लंकेश्वर ये ठीक बोलते, एकदम ठीक बोलते जी। चौरसिया को मारना चूहा बिल्ली को मारने जैसे नहीं जी, वेरी डिफिकल्ट। एंड यू नो आजकल तो चौरसी के पास उसका प्रोटेक्शन है जी, सूर्य का प्रोटेक्शन जी। जानते हो जो सूर्य सांस लेता है तो चौरसिया का वास्ता लेते जी, और कोई भी आदमी चौरसिया का सांस बंद करने की कोशिश करता ना जी, तो सूर्य उसके गले की नली में भूच मारते जी, वो उसका डाल है डाल। तो फिर वो डाल खरीद लो, उसकी डाल को हथियार बनाकर मैं चौरसिया के सीने पर वार करूंगा। गुनाहों का कोई राग सुना, शायद मुझे पसंद आ जाए। मैंने चौरसिया साहब के साथ विश्वासघात किया, मैंने पुलिस से मिलकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा, मैंने चौरसिया साहब को डबल क्रॉस किया, फिर भी मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मुझे बख्श दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हमें तेरा कोई भी सुर पसंद नहीं। जैसी ढाल मिली है
तो दुश्मन की आंगन में तो जैसे खौफ और डर की भयानक आग भड़क उठी है। जो दुश्मन हमारे सामने सर उठाता है उसका सर चीता की राख बनकर उसके घर पहुंच जाता है। चीता की आग जलती रहेगी, मौत का खेल चलता रहेगा। सब जन्मे हैं राख बनने के लिए, खाक में मिलने के लिए। अरे जिसके पास सूर्या जैसी ढाल हो उसके करीब तो चिता की आग भी आने से पहले 100 बार सोचेगी। हाँ बाय गॉड, आपने तो सूर्या को विश्वास के आसमान पर चढ़ा दिया। अरे नहीं, हम तोरी ईमान की बात करते हैं। सूर्या वैसे तो हमारी गैंग में बहुत सारे लौंडे लपाटे हैं, थोड़ा सा काम करके आते हैं तो ऐसा दिखाते हैं जैसे हिटलर का पेट काट के आ रहे हैं, फिर हमारी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। उन सालों को मालूम नहीं हम कितनी लाश गिराया हूँ, कितनी लाशों की हड्डियों से कुर्सी बनाया हूँ, तब जाके उस पे बैठा हूँ। ये दो खून का बूंद गिराते हैं और हमारी कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, बेताज बादशाह बनना चाहते हैं। इसीलिए हम कोनों के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ, सिर्फ तेरे ऊपर विश्वास करते हैं। हेलो सूर्या साहब, मैं लंकेश्वर का आदमी बोल रहा हूँ। लंकेश्वर ने आपको बुलाया है अभी और इसी वक्त। ओके चौरसिया, ये विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है, रेशम की तरह, सला ना जाने कब टूट जाए। अरे नहीं, दिल जला है ना तभी साला ऐसी उल्टी सीधी बात करता है। नहीं नहीं, बहुत विश्वास का आदमी है। चौरसिया से की हुई वफादारी को तुम दौलत के कौन से तराजू में तोलना चाहते हो? पार्टनरशिप का तराजू 50-50। तुमसे हाथ मिलाने की, चौरसिया से हाथ छुड़ाने की कीमत तो होगी। लंकेश्वर से इतना कुछ मांग लिया तुमने, हैं? इतनी हिम्मत? मैं तो भगवान से सौदा करूं उससे भी आधी दुनिया मांग लूं। बाय गॉड, फिर तू क्या चीज है? गुस्सा नहीं लंकेश्वर, ये खोपड़ी बहुत सालों से बिगड़ी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। डन सूर्य, अयो चौरसिया का खेल अब खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए? अयो मुर्गा, हमारा अस्पताल, हमारा गाड़ी, हमारा पब्लिसिटी कौन करता? किसने किया है ये? किसकी मजाला है? मैं जानता हूं रघुवीर जी के कातिल तुम हो और इन खबरों के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है, लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं। जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग गया ना, I'll kill you, you bastard. I'll kill you, bastard. चलो ओके। अयो मुर्गा, ये कितना हॉट है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रोको शेर को वरना हो जाएंगे हम सब शिकार। इंस्पेक्टर किशन। यस सर। तुमने फिर हत्यारों के केस में हाथ डालने की जरूरत की? सर वो मैंने तुम्हें मना किया था ना। सर पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं पुलिस ऑफिसर के ये ड्यूटी करने के हक तुमसे छीन लिए गए हैं। मगर सर जुर्म और गुनाह के खिलाफ एक आम शहरी भी अपना सर उठा सकता है। इंस्पेक्टर किशन, तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे तो बहुत जल्द डिसमिस कर दिए जाओगे। मगर सर नो मोर क्वेश्चन, तुम जा सकते हो।
इसका ब्लाउज, इसका पेटीकोट, ये मरते क्यों नहीं है? 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 हाय डार्लिंग, चमेली। हाय रब्बा, कितना टॉर्चर हो रहा है तुम पर। चमेली, तेरे प्यार दी खातिर जी लेता हूँ, वरना मैं कब का मर चुका होता। चमेली, तू किसी और से शादी मत करना, क्योंकि बहुत जल्द मैं तेरा चमेला बनने वाला हूँ। स्वीटी पाई, बेचारे चार पाई ले ले अंगड़ाई, ना होगी रुसवाई हो चमेले की चमेली। फिर तू जल्दी जल्दी मेरा घर वाला क्यों नहीं बन जाता? मेरी मांग में सिंदूर क्यों नहीं भर देता? इतनी जल्दी नहीं चमेली, हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्यार हैगा, लेकिन है मोटी वो बहुत बड़ी दीवार हैगी। ये कपड़े धोने की आवाज ही बंद हो गई है। अब तू जा, अरे ये अटक गया, अटक गया, अटक गया। तू ना रात को 12 बजे मेरी छत पे मिलना, प्रॉमिस है? हाँ 12 बजे। इतना मोटा साउंड, ये कपड़ों के साथ गिर गई। हाथी मर गया 1.25 लाख दा, और ये हथनी 1 मिनट। मर गई 5.25 लाख की, फिर भी रिस्क नहीं लेना। हिला के देखो, मारो। अंगूर की दुम पर अंगूर की बेल, खत्म हो गया इस मोटी का खेल। क्या देख रही है मोटी पैसी, मर गई ना? मैं अब चमेली के साथ ब्याह रचाऊंगा और तेरी बेडरूम के अंदर हनीमून मनाऊंगा। मैं मनाने दूंगी कभी नहीं, अपने बिस्तर पे सोने दूंगी कभी नहीं। तेरे को तो अभी चला के आया था, तू कहां से आ गई? तेरी मौत बनकर। आत्मा शरीर को नहीं मार सकती। फिर बच गया, मैं बच गया जी, बच गया। आत्मा को मारने के वास्ते शरीर की जरूरत होती है। शरीर की जरूरत होती है? शक्ति जी, तू मेरा पति है ना, तो मैं तेरे शरीर में घुस जाती हूँ। आजा शक्ति, ओए किधर भागेगा? कहाँ भागो? इधर से, उधर से, ओए इधर इधर। इसका आता नहीं आऊँगा मैं, आता नहीं आना। शक्ति सिंह, मैं तेरी राइट साइड में हूँ, राइट साइड में। कोई गल नहीं, मैं लेफ्ट हैंड से काम चला लूंगा। हैं? लेफ्ट हैंड से काम चला लेगा? तो ये ले राइट हैंड। तुम पर अंगूर की बेल, वारे शक्ति सिंह, हो गई तेरी राइट साइड फेल।
कोई आ जाएगा। आने दो। पापा से शादी की बात कब करोगे? जल्द, बहुत जल्द। बस करो, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। कहती है तो तुम कहती हो तो नहीं, झूम लो। बस करता हूं। Love.
जी, मुझे यकीन हो गया कि मंत्रियों की हत्या के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। कुछ और बोलने से पहले सोच लीजिए, रघुवीर जी ने भी यही कहा था और उनकी मौत हो गई। लेकिन सर मैं क्या करूं, देश के प्रति मेरा भी तो कुछ फर्ज है। आप अपने तरीके से छानबीन कीजिए, अगर आपको कोई ठोस सबूत मिले तो आप आकर सिर्फ मुझसे कहिए। ओके सर जी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। नमस्ते। किशन है। नमस्ते। और ये राहुल। नमस्ते। अच्छा मैं चलता हूँ सर जी। ठीक है, एसीपी से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हूँ, मैं तुम्हारी हरकतों से खुश नहीं हूँ। लेकिन सर मैं कविता का हाथ मांग आया हूँ। अपने बारे में मेरी राय सुनने के बाद भी तुम समझते हो कि कविता का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? जी। डैडी आप, ये आप क्या कह रहे हैं? रिलैक्स बेटी, मैं तो यूं ही रोप जमा रहा था, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इसका मतलब मेरी शादी जल्दी होने वाली है। भैया मुबारक तुम्हें। सॉरी ससुर जी, मुबारक हो, होने वाले सब कुछ चलता है, आदमी बहुत खुश है। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल पागल है। देवर किसका है? हेलो मीना, बात बन गई, लाइफ बन गई, भाभी भैया की वाइफ बन गई। अब तुम फौरन निकलो और अपने रोमांटिक स्पॉट में मुझे मिलो। हाँ हाँ, अभी इसी वक्त। सी यू दैट। फंसी तो फंसी। सूर्या, यहाँ शहर से इतनी दूर इस वीराने में कौन से गद्दार से मिलाने लाए हो? यहाँ तो साला कोनो गद्दार नजर नहीं आ रहा है। बुरे समय पर अकल के साथ साथ आंखें भी धोखा दे जाती हैं। हम तेरा मतलब नहीं समझे बबुआ। विश्वास की डोर बड़ी कच्ची होती है चौरासिया, टूट गई वो डोर। बाय गॉड, मतलब तू गद्दार है? अरे नहीं, तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। अरे तू तो हमारी ढाल है, ढाल। तुझको जिंदगी देने वाली ढाल अब तेरी मौत की तलवार बन चुकी है चौरासिया। गद्दार, अरे हम तेरे को धरती से उठाकर आकाश का सूर्या बना, तू? मैं भी तुझे जमीन से आसमान तक पहुंचाऊंगा चौरासिया। बाय गॉड। बाय गॉड का बच्चा, तू हमको क्या खसियारा समझता जो इन टटपुंजियों के साथ मिलकर तुम हमको मार डालेगा? अरे जा जा, बहुत देखा तेरे जैसे। चौरासिया, जब ईमान बिकता है तो खरीददार भी होता है। इधर देख। लंकेश्वर, तू इसका ईमान खरीदा है। उस दिन हम तेरी छोटी उंगली काट के बहुत भूल किए रहा, ससुरी गर्दन ही काट देना चाहिए था। बहुत देर हो गई है चौरसिया। ऐसा भी कोई खास देर नहीं हुआ है। पार्टनरशिप के अग्रीमेंट पर दस्तखत कर दो सूर्य। गद्दार, माय गॉड, माय गॉड, एफ, नमक, आराम,
By God. बॉस, इंस्पेक्टर किशन का भाई छुप कर सब देख रहा था। अच्छा? तो छुप कर सब देख रहा था भाई। हम अपने चश्मदीद गवाह को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। तू क्या समझता है, मुझे मार के तू बच जाएगा? ये बोलता भी है। तू लंकेश्वर को मारेगा? क्यों नहीं मारूंगा। लंकेश्वर पे हाथ उठाएगा? हाँ, मौका मिला तो जरूर मारूंगा। मार मारू मार शोगन। नहीं नहीं। लंकेश्वर पे हाथ उठाता है। शांत लंकेश्वर, लाशों पर लातों का असर नहीं होता। ये क्या हो गया? अपना राहुल चला गया। अपने आप पर काबू रखो। मीना को देखो, उसे यदि कुछ हो गया। उसने तो दुल्हन बनने के सपने देखे थे। इस बेचारे का क्या कसूर था? दुख है जिसे दुनिया के हर इंसान को गुजरना पड़ता है। इस जिंदगी में सिर्फ दो ही सच है, एक है जीवन, दूसरा मृत्यु। लग रही मेरी दुल्हन। राहुल, मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती हूँ, तुम आईने में मेरी मांग भर के उसे उड़ा देते हो। ये क्या कर रही है तुम मीना? हाँ भाई साहब, जीवन और मृत्यु अगर जिंदगी के दो सच हैं, तो ये तीसरा सच है। Thank you.
लोग सोचते हैं मेरी बीवी मर गई तो मैं रंडवा हो गया हूं। मैं रंडवा नहीं हुआ हूं, मैं तो अभी दूसरी शादी करूंगा। मेरी बीवी मरने के बाद मेरी बॉडी में घुस गई है। ये देखो सो रही है मोटी भैंसी। आहा की मुच्छा है गिया। ओ ये मूछ नहीं है, ये मेरी चमेली दा प्यार है। ये मैंने चमेली दे वास्ते बड्डी बड्डी कीती है। मुझ नहीं मेरी चमेली है, चल चमेली बाग में मैं वा खिलाऊंगा। ओ तेरी मैं थोड़ी जी हेल्थ भी बनावांगा। चल चमेली बाग में तेरे को मेवा खिलाऊंगा, तेरे को मेवा खिला के लस्सी वस्सी भी पिलाऊंगा। चल चमेली। आओ ओफो मले कमीने। बड़ा अपने मूछों पे ताव फिरा रहा है। ये मूछ नहीं चमेली दा प्यार है। ओए मैं तेरी मूछ दी पूछ बना दूंगी। हाँ अरे तू कुछ भी कर, मैं जा रहा चमेली से मिलने। ओए शट अप, अंग्रेजी में गाली देती है, मैं तेरी जबान काट दूंगा। ओए तो मैं क्या छड़ दूंगी, मैं भी काट दूंगी। हाँ क्या काट देगी? ओए तेरी मूछ बेवकूफ, मूछ काट देगी तू। बड़ी ताकत है मोटी। नहीं नहीं नहीं। अच्छा दो दो हाथ, अब ये ले। लो आ गई तुम्हारी चमेली, सड़ी हुई छिपकली। अब इसकी खबर लेती हूँ। ओ मेरे चमेले, क्या बात है, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है? अरे भाई इधर मुंह करो, तुमने मुंह को छुपा के रखा हुआ है। हाय मैं मर गई, तेरी मूंछ कहाँ गई? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? देखना मैं तेरी कभी भी शक्ल नहीं देखूंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। मेरा पाँव, रुक जा, मेरा पिछले 3 साल में सूर्या कई जुर्म कर चुका है, मगर पुलिस की फाइल में उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। मुजरिमों की फाइल बनाना एसीपी के हाथ में है, वो चाहे किसी की फाइल बनाए या ना बनाए। कानून एसीपी साहब की जागीर नहीं है जो जिस तरह चाहे चलाए। कानून किताबों में लिखे शब्दों की बुनियाद पर चलते हैं, और वो कानून मैं चलाऊंगा। लेकिन एक बात मेरे सीने को तलवार की तरह काटती है कि सूर्या ने मेरे भाई को मार डाला लेकिन मुझ पर गोली नहीं चलाई। मुझे क्यों नहीं मार डाला उसने? ये बात मुझे तड़पाती रहेगी जब तक मुझे ये मालूम नहीं पड़ता। तुम जाओ। कौन भेजता है एसीपी साहब को ये फूल, और क्यों भेजता है? इनके आने के बाद ही वो मुझ पर बरस पड़ते हैं। संभालो अपने शेर को, रखो उसे पिंजरे में। इंस्पेक्टर किशन, मिस्टर किशन, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम पिस्तौल नहीं उठाओगे। फिर तुमने पिस्तौल क्यों उठाई? जब जुर्म हद से ज्यादा बढ़ जाए तो पिस्तौल उठानी पड़ती है सर। तुम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हो। जरूरत है सर, इस शहर में जरूरत से ज्यादा काम करने की जरूरत है। मिस्टर किशन, इससे पहले डिपार्टमेंट तुम्हें सस्पेंड कर दे या तुम्हारा और किसी जगह ट्रांसफर करवा दिया जाए। बंद कर दो अपनी हरकतें। ये हरकतें तो अब सांस बंद होने के बाद ही बंद होगी सर। मिस्टर किशन, बिहेवियर सर। हम बात करते हैं मुजरिमों पर, तकलीफ आपको होती है सर। आखिर क्यों?
मिस्टर किशन, माइंड योर लैंग्वेज। लगता है आपने अपनी वर्दी मुजरमों को बेच दी है सर। सर आपका गुस्सा चीख चीख कर यही कह रहा है कि आपने अपने कर्तव्य की शपथ तोड़ दी है सर। I say get out from here। जा रहा हूँ सर, लेकिन एक शपथ लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने छोटे भाई के कातिल को चिता का धुआं बना दूंगा सर। Thank you.
पागल परवाना, इश्क मेरा कितना मस्ताना, इश्क मेरा दिलकश अफसाना, इश्क मेरा करते दीवाना, इश्क मेरा हर बेचैनी का आलम है अब होश का। चुनकी 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 चुनकी। पता कौन है तू? क्या है तेरी असलियत? किसके लिए काम करता है तू? हाँ बोल, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने? क्या बिगाड़ा था उस मासूम ने जो तूने इसकी जान ले ली? पता, वरना गोली मार दूंगा। मारने वाले सोचते नहीं और सोचने वाले मारते नहीं। अगर मैंने तेरे भाई को मार डाला तो तुझे क्यों छोड़ दिया? यही सवाल तूफानी भंवर की तरह तेरे दिमाग में घूम रहा है ना? अगर सत्य में विश्वास करता है तो सुन, गोली मारने से पहले मैंने उसकी जेब में वैष्णो माता वाला लाइटर डाल दिया था और उसी लाइटर पर मैंने गोली चलाई। वैष्णो माँ ने तो उसे बचा लिया, लेकिन मुझे मालूम है तुम उसे मारना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ये जल्दबाजी मेरे मिशन को खतरे में डाल सकती है। तुम्हारा मिशन? कैसा मिशन? मैं एक कमांडो हूं। लंकेश्वर की लंका में घुसकर मैं उस दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं जो मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचता है। तुम्हारा मतलब लंकेश्वर का भी कोई बॉस है? लंकेश्वर तो सिर्फ एक धागा है, असली गुत्थी तो कहीं और उलझी हुई है। मैं उस गुत्थी को सुलझाना चाहता हूं। यानी कि एसीपी को भूल तुम ही? ब्लास्ट होने वाला है। हम शपथ लेते हैं इस देश के एक दुश्मन को चुन चुन कर मारेंगे। इस धरती से भ्रष्टाचार और आतंक का नामो निशान मिटा देंगे। हर हाल में हम पूरी करेंगे अपनी शपथ। किशन, तुम यहां से निकल जाओ। लंकेश्वर का खास आदमी डॉक्टर सुब्रमण्यम आ रहा है। डॉक्टर सुब्रमण्यम वो सीढ़ी है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तुम इस सीढ़ी का इस्तेमाल करो, जाओ। अयो रमुलल्ला इरके सूर्या, अयो सूर्या, अयो हमको तुम्हारा चैल बहुत पसंद आया जी। तुम्हारे लिए हम अपना इतना आदमी लेकर आए जी, तुम हमसे पहले चौरसिया का सब आदमी खत्म कर डाला जी। सूर्या, लंकेश्वर ये बात सुनेगा ना जी तो बहुत खुश हो जाएगा जी, बहुत खुश हो जाएगा। सूर्या के नजदीक आओगे सुब्रमण्यम तो जलकर खाक हो जाओगे। हाँ, अरे कितने कितने नहीं ढूंढा तेरे को मैंने। मैं तेनू कैसे समझाऊं कि वो चांटा मैंने तेरे को नहीं मारा था, मैंने नहीं मारा था। इससे पूछ फिर मुझे चांटा किसने मारा था? इसे चांटा किसने मारा था? वो मेरी मरी हुई बीवी है ना, उसकी आत्मा मेरे अंदर है ना, उसने इसको चांटा मारा था।
देखो जी वो आदमी मुझे आंख मार रहा है। हाँ मैं तो तेरे साथ कितना प्यार कितना प्यार करता हूँ, मैं तो तेरे बिना रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। मेरा हाथ क्या कर रहा है? मेरी बुलबुल कहाँ मारी? मैंने कब मारी? मैंने नहीं मारी। हनुमान जी मैं तो इसे बदमाश को नहीं मार सकता, आप तो इतने हट्टे कंटे हैं, इसलिए मेरी महबूबा की जीप खोली, मारो इसे। नहीं नहीं मारो और मारो इसको। अरे मर गया, मर गया मैं। अंगूर की जीप पर अंगूर की बेल, शक्ति सिंह मोहब्बत में अब तो सारे सितम तेरे सारे इश्क दे प्लान नहीं मोदी मैं नहीं बेल लगा जी। अब देखते हैं। Don't touch। बेबी कैसे बात कर रहा था जी? हम तुमको टच नहीं करेगा तो चेकअप कैसे करेगा जी? हम डॉक्टर है, सुब्रमण्यम स्वामी है, वेरी एडवांस। पहले ये तो जान लो कहाँ कहाँ चोट लगी है। बेबी तुम फिक्र मत करो, हम देखते जाएगा तुम बताते जाओ, हम देखते जाएगा तुम बताते जाओ। आप कैसे डॉक्टर हैं, यहाँ सबके सामने देखेंगे। अयो समझो जी, तुमको हमारा कंसल्टिंग रूम में चेकअप कर रहा मंगता जी। नहीं तो मेरे रूम में, रूम नंबर 107। अयो मुर्गा क्या हुआ? बेबी तुमको मालूम तुम्हारा रूम नंबर 107 हमारा बॉडी का टेम्परेचर 107 दोनों मैच करता जी। यू नॉटी, ठीक 7 बजे मेरे रूम में। हाँ 7 बजे तुम्हारा रूम में? अयो मुर्गा इधर बैठा था जी, अयो बेबी हमारे 7 बजे आता जी। गुड इवनिंग सर। आज तुम्हारा अंदाज कुछ बदला हुआ लगता है। सर मैंने आपको गलत समझा, आप पर जो इल्जाम लगाया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अच्छा, आज से आपका जो मिशन है उसमें हम भी शामिल हैं। अब सर ठीक 10 मिनट बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ब्लू डायमंड होटल कविता के रूम में पहुंचेगा और कविता उसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर सारे राज उगलवा लेगी। ओके सर। बेबी बाटल खत्म, अब तुम्हारा बारी जी, तुमको तुम्हारा प्रॉमिस याद है जी? ऑफ कोर्स डॉक्टर, शैंपेन की हर बॉटल पीने के बाद तुम मेरा हुस्न देख पाओगे। कविता मैं तुमको छोड़ गए जी, पूरे का पूरा कविता पढ़ गए जी, देखो
Hello, room service? Yes, sir. This is 107. Order, please, sir. Two chilled bottle champagne. Okay, sir. Haan, urgent. Thank you. Baby, ab Kavita ka agla line shuru karo ji. Sure. Thank you. Rumba na lage. Doctor, champagne to manga rahe ho. मगर बिल का पैसा है ना तुम्हारे पास? अयो बेबी, कैसे बात करते जी? तुम डॉक्टर सुब्रमण्यम को क्या भिखारी समझते जी? हम पूरे का पूरा ऑर्डर कर सकते जी, लेकिन बेबी उससे पहले हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते जी। बेबी बॉटल खत्म, अब नेक्स्ट लाइन। व्हाई नॉट डॉक्टर, तुमने पैसे खर्च करने से पहले लंकेश्वर से परमिशन ली? अय्या, हमारा कविता पढ़ने के बीच में लंकेश्वर किधर से आता जी? इसका मतलब तुमको लंकेश्वर से डर नहीं? और नहीं डरता जी, अब तुम भी मत डर जी, हम उसको मार डालेंगे जी। बेबी पता लग तो लाइन शुरू करो जी। ये लो, तुम ही पढ़ो। हम शुरू करेंगे जी, हम पढ़ेंगे जी। अयो नेक्स्ट लाइन वेरी इंटरेस्ट, very interesting. Doctor, तुम बहुत बहादुर हो। Baby, तुम हमको बाटल दो जी। फिर तुम देखते जाओ जी, हम कैसे पढ़ते जी। मगर लंकेश्वर को पता चला तो? अयो लंकेश्वर का फिकर मत करो जी, हम पर छोड़ो, हम उसको मार डालेगा जी। मगर कैसे? अब उसको बॉस को बोलेगा जी। लंकेश्वर का कोई बॉस भी है? आमा, उसका भी बॉस जी। मगर बताओ कौन है वो? बेबी अब बॉटल खत्म, अब नेक्स्ट लाइन शुरू करो जी। यो बेबी, हमको ये कावित तो बहुत अच्छा लगता जी। अयो लगता शैंपेन आ गया जी। बेबी यू बी रेडी, हम शैंपेन लेकर आता जी। आप दो लाइन बाकी, हम आंख पड़ता जी। क्या बात है सत्य बाबू, आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? सर जी बात ही कुछ ऐसी है, कल रात डॉक्टर सुब्रमण्यम का कत्ल हो गया। जानता हूँ। आपको कैसे पता चला? एसीपी का फोन आया था। एसीपी का फोन? इसमें चौंकने की क्या बात है सत्य बाबू, हम सरकार चलाते हैं, हम सब कब्रे भी रखते हैं। अब आप बताइए, आपका शक यकीन में बदल गया? उस बड़े आदमी का पता चला? जी नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। जैसे ही पता चले सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। सर जी सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म करूंगा। अच्छा चलता हूँ। ओके। हेलो, सॉरी, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अगर डॉक्टर मुंह खोल देता तो हम सब फांसी के फंदे पर लटके हुए होते। जी जानता हूं, आप बेफिक्र रहिए, सत्यजीत को मैं संभाल लूंगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे पहले गद्दार का पता मैं लगा लूंगा। यस, ओके। मेरे पीछे आए जा रहा है, रहने दे, मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठा कहीं का? क्यों, तो मेरी फ्रेंड है कि इसकी फ्रेंड है जो इसकी साइड ले रही है? शट अप, क्या है? चमेली, एक बार मेरी गल सुन लेगी तो तू सब जान जाएगी। चमेली एक बार सुन तो ले। हाँ सुन लेगी तो तू सब कुछ जान जाएगी। अरे जल्दी से सुन ले, नहीं तो मेरी पैंट गीली हो जाएगी। ठीक है ठीक है, यू टेल मी फा। नहीं, 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 अरे मोटी नहीं, अरे नहीं। देखा भी ना, मैं इस मोई की बात सुनूं?
अली मोटी, अगर मुझे सुसुनी आया होता ना तो तुझे देख लेता। चमेल चमेल, ये काम क्या जरूरी है? यानी होना पेट गिल्ली नहीं होता। अरे उधर मर्दाने में कहाँ जा रहा है? चिनाने में चल, चिनाने में। अरे जान दे, जान दे मेरे को। अरे बहुत दूर से आया है। अरे जान दे, जान दे। ओ इधर इधर, चल। अरे अरे शर्मिली, मुझे जाने दे शर्मिली, मुझे जाने दे बाथरूम। मैं किधर रोक रही हूँ? तुझे चिनाने में जाना होगा, रोटियां खाना होगा। चलो तो चल, लेडीज है, मैं तो जेंट्स हूँ। कैसा बदतमीज आदमी है, इसे तो पुलिस में लाना चाहिए। इडियट। तो डॉक्टर भी मर गया? मरा नहीं, मार दिया गया है। हम डॉक्टर को सीढ़ी बनाकर जिस मंजिल तक पहुंचना चाह रहे थे, दुश्मनों को उसका पता चल गया और उन्होंने वो सीढ़ी खींच ली। लेकिन उन्हें पता कैसे चला? डॉक्टर के बारे में तो हम सिर्फ तीन जानते थे। तीन नहीं, चार। ये चौथा कौन है? एसीपी। लेकिन वो तो तुम्हारा आदमी है ना? ये तुमको किसने कहा? क्या तुम एसीपी को फूल नहीं भेजा करते थे? कांटों का ताज पहनाने वाले फूल नहीं भेजा करते। तो एसीपी को फूल कौन भेजता था? सर, तेरे फेंके हुए जाल में फंस जाऊंगा? फूलों में कोई भी मैसेज न देखकर मैं समझ गया था कि जरूरी है किसी की चाल है। लेकिन यह जानना भी जरूरी था कि चाल चलने वाला कौन है। मैं चाल चलता नहीं, और चलता हूं तो मात नहीं खाता। लगता है तेरे बदन में बहुत गर्मी है, आज तेरा पूरा शरीर ठंडा कर देता हूं। मुझे मुजरिमों को गोली मारने में बड़ा मजा आता है। तेरे को तो ये तो नहीं मालूम होगा कि हथियार कौन भेजता है, नहीं ना? तुझे ये भी नहीं मालूम होगा कि मंत्रियों की माँ कौन? तुझे भी नहीं मालूम होगा कि गुलदस्ता कौन भेजता है, नहीं ना?
सूर्य को कुछ नहीं मालूम है ना? नहीं किशन, इस हाथ की मुझे जरूरत है, जरूरत है। तो बता, बता उसका नाम। एक वीआईपी है। कौन? वो कौन? एसीपी बता कौन? मरने से पहले बता। अंत बुरा ही होता है सत्यजीत। मगर कोई मेरी जान का दुश्मन क्यों बनेगा? मरते वक्त एसीपी साहब की जुबान पर आपका नाम था, इसलिए आपकी जान को खतरा है। आपकी हिफाजत के लिए आज से 24 घंटे पुलिस आपके लिए रखी है। वैसे थैंक यू। वेलकम। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम सर। शक्ति सिंह। यस सर। आज से तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर है। मेरी ड्यूटी यहाँ पे? यहाँ पर क्यों? क्यों, एनी प्रॉब्लम? नहीं प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी आएगी। अभी अभी आपने कहा कि कोई इनकी जान का दुश्मन आएगा, अगर इनकी जगह गोली मेरे को लगी तो मेरी दूसरी शादी भी नहीं होगी। बकवास बंद करो, अपने ड्यूटी पर ध्यान रखो। ओके जी। बी अलर्ट। थैंक यू सर। आखिर एसीपी ने अपनी वर्दी की इज्जत रख ही ली। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। एक नहीं दो पूछो दोस्त। आज बहुत सालों बाद अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूं। बाय गॉड, पीता तो मैं भी हूं, लेकिन तुम्हें हमेशा नशे में देखा है। कारण पूछ सकता हूं? लोग पीते हैं इसे होश को खोने के लिए, और हमें होश भी आता है पीने के बाद। वाह सूर्या साहब, क्या बात है। अरे आदाब आदाब अल्ताफ मियां। अरे किशन, ये अल्ताफ भाई हैं, हमारे यहाँ के मशहूर सिंगर। आदाब आदाब। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका गाना तो आजकल हर एक जुबान पर है। तुम तो ठहरे परदेसी। बस आप सबका प्यार है। अल्ताफ मियां, बहुत सालों बाद आज अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूँ, इस मौके पर कुछ हो जाए। जरूर जरूर, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए।
पिछले जन्मदिन पर राहुल ने मुझे म्यूजिक एल्बम गिफ्ट में दिया था और ठीक 12:01 पर उसने इसे खोलकर मुझे हैप्पी बर्थडे कहा था। मगर आज अब राहुल जिंदगी में कभी मुझे हैप्पी बर्थडे कहने नहीं आएगा। भाई साहब, राहुल के बिना जीना नहीं, मरना है। नहीं नहीं, कौन कहता है राहुल तुम्हारे साथ नहीं है? देख, तेरे आंसुओं में राहुल है, तेरे आंखों में राहुल मुस्कुरा रहा है। वो भी तो ये चाहता कि तू हंसती रहे, मुस्कुराती रहे। Come on, Jera, back up. हर साल की तरह तुम्हारे जन्मदिन पर राहुल ने तुम्हें विश किया, अब तुम मुस्कुराओ। Come on, मीना, come on, cheer up, मीना। मीना,
किया तुम्हें, क्या किया? हेलो, हाँ आपका फोन। हेलो कौन? मैं जानता हूं एसीपी और डॉक्टर की मौत के बाद हमें काफी नुकसान हुआ है। मैं कर क्या सकता था? आप अस्पताल आना चाहते हैं? आप यहां हैं क्या? सत्यजीत को आज रात वहां चारों तरफ पुलिस फैली हुई है, वहां खतरा है। नहीं, मैं खतरों से नहीं डरता। मैं वो क्या है कि मरते मरते एसीपी गद्दारी कर गया। मरने वाले वीआईपी का नाम बोलते बोलते वो साला मेरा नाम बोलना चाहता था कि मिनिस्टरों के कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। इसलिए बेवकूफों ने मुझे बचाने के लिए पुलिस तैनात कर रखी है। और अब गौर से सुनो, आजकल हमारी पॉलिटिक्स में वो साला कल्लू दीनदयाल भट्टांग अड़ा रहा है। वो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता है। बेवकूफ समझता नहीं कि अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, मारे जाएंगे। तुम एक काम करो, उस देश प्रेमी को भी वहीं पहुंचा दो जहां बाकी मिनिस्टरों को पहुंचाया था। क्या? Yes. काम हो जाएगा। ओ मेरी वाइफ, बना दूंगा सबकी लाइफ। आओ ना, जाओ ना। फिटे मुंह, ऐनी चंगी नींद लगी सी खराब कर दी। हाँ ओ मेरी मोटली, मेरे 32 साल की रूपली, अब मैं मचा दूंगा खलबली। की होया है दसो तो? रंगूर दी दुम पर अंगूर दी बेल, अब मैं निकालूंगा मुजरों का तेल। सच? वाह मेरे शेर, रुक। ओए जा। तो सत्यजीत वो दिमाग है जो मौत का सौदा कर रहा है। यानी एसीपी ने जब सत्यजीत का नाम लिया तो मरने वाले का नहीं मारने वाले का। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि दुश्मन मेरे डैडी पर हमला करे, हमें उन्हें बचाना है। लेकिन सोच समझ कर, अगर दुश्मन का हमारे प्लान के बारे में पता चल गया तो वो कानून की कमजोरियों का सहारा लेगा। याद रखना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि जिससे दुश्मन रंगे हाथों पकड़े जाए। एक ही बार में पूरा गिरोह खत्म। अंगूर दी दुम पर अंगूर की बेल, अब हो जाएगा दुश्मनों का इंजन डीरेल। कोई आया? पुलिस वाले कहाँ भर गए? ओए मेरे डरपोक पति, उठ। देख वो लोग तेरे जाल में फंस चुके हैं। शक्ति सिंह। हाँ जी। उठ। मैं उठूंगा, तो मेरे पर गोली तो नहीं चलाएंगे। मैं उठू? उठ। उठो। तुझे कोई गोली नहीं मारेगा। अरे ओ चूहे, शेर बन शेर। शेर बनू? हाँ। तेरा शेर। शराब पी रखी है तुमने, पागल हो गए हो? मेरे आदमी तुम पर हमला क्यों करेंगे? हा? तो फिर मुझ पे हमला किसने किया? मैं बताता हूं। सत्यजीत पर हमला हम लोगों ने करवाया ताकि इसके चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर इसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। ऑफिसर किशन, रिवॉल्वर फेंक दो।
तुम सब लोग मेरे निशाने पर हो, सब के सब मारे जाओगे। रिवॉल्वर फेंक दो। परमेश्वर की इच्छा राजेश्वर की। लंकेश्वर, लंकेश्वर मेरे छोटे भाई, जिसे तू अपना आधार समझ रहा है ना, दरअसल वो कानून का हथियार है। क्यों कमांडो अर्जुन? कमांडो अर्जुन? सूर्या, कमांडो ये नहीं हो सकता, ये पुलिस वाला नहीं हो सकता भैया। इसने तो मेरे सामने चौरसिया का खून किया था। तुम भूल रहे हो, चौरसिया भी एक मुजरिम था। किशन का छोटा भाई, वो तो बेगुनाह था, उसको भी इसने मेरी आंखों के सामने मारा था। सूर्या, जब तुम इतने आदमियों का खून कर सकते हो, तो फिर तुम्हें ऑफिसर किशन और कविता का खून करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कम ऑन, शूट देम। डू इट नाउ। नहीं, तुम्हारी रिवॉल्वर से नहीं, मेरी रिवॉल्वर से। शूट। देखा भैया, सूर्य वफादार निकला। जिंदगी देता है परमेश्वर, मगर तकदीर लिखता है राजेश्वर। इस पिस्तौल में गोलियां नहीं थी। मगर इस पिस्तौल में गोलियां असली है। नहीं, यह गलती नहीं करना राजेश्वर, वरना तेरा भेजा उड़ा दूंगा। मुझे यकीन था कि सूर्या जैसी आग के हाथ में बारूद रखने की गलती तू कभी नहीं करेगा। तेरी पिस्तौल के वजन से मैं समझ गया था कि पिस्तौल में गोलियां नहीं है। अब तक मौत का बहाना करके तू जिंदा रहा राजेश्वर, आज उस बहाने को मैं हकीकत में बदल दूंगा। लंकेश्वर, अगर गद्दार का इम्तिहान लेना हो तो उसके हाथ में बंदूक सिक्की दो, मगर काली, समझा लंकेश्वर? सूर्या उर्फ कमांडो अर्जुन, जब तुम किशन का निशाना लगा रहे थे तो मैंने तुम्हारी बंदूक से गद्दारी के कारतूस निकाल दिए थे। अब तुम मरोगे, तुम सब मरोगे मेरे हाथों। किशन, इस जगह की सारी बत्तियां आवाज पर जल्दी बुझती हैं, गोली चला। वो तो भाग गए, अब हम लोग क्या करें? फिक्र मत करो, तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। लेट्स गो। जिंदगी भर देश और जनता को धोखा देता रहा,
आखिर में तुझे धोखा मिला ना, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो कम ऑन। सूर्या, पूरे 3 साल दिन रात मेहनत करने के बाद हमें यह मौका मिला है, हमें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए डैडी, आपकी जान को खतरा है, जिन लोगों ने सत्यजीत को मारा है वो लोग आप पर भी हमला कर सकते हैं। बेटे, ना जाने कितने देशभक्तों ने अपने जाने कुर्बान की, तब जाके भारत माँ को आजादी मिली है। अगर मेरी जान की बाजी लगाने से इन देशद्रोहियों को पकड़ सकते हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपके सीने पर चलने वाली हर गोली को हमारा सीना चीर कर गुजरना होगा सर। आपकी समाधि बनाने से पहले उनको हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। बाय गॉड, आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉयज, कम ऑन लेट्स गो। भाइयों और बहनों, मंत्री दीनदयाल जी कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। मैंने मेटल कोट पहना है। ठीक है, आप जा सकती हैं। मंत्री दीनदयाल जी पहुंच चुके हैं, आप लोगों से निवेदन है कि तहे दिल से उनका स्वागत करें। मंत्री दीनदयाल जी। वेलकम सर। भाइयों और बहनों, देश को आजाद हुए 50 साल हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आज हमारे देश में जगह जगह आतंक फैला हुआ है, हम सब डर कर जी रहे हैं। आप कहेंगे मेरी पार्टी की सरकार है, मैं मंत्री हूँ इसीलिए जिम्मेदारी भी मेरी है, ये गलत है। सरकार आती है चली जाती है, लेकिन देश रहता। ये देश हमारा घर है और अपने घर को दुश्मन से बचाना। सूर्या इसी अस्पताल में है, बचाएगा परमेश्वर, मारेगा राजेश्वर। नहीं भैया, सूर्य को डुबोएगा लंकेश्वर। सूर्य, मुझे दो लोगों से सख्त नफरत है, एक पुलिस वाला, दूसरा गद्दार। इस इंजेक्शन की एक एक बूंद में इतना नशा है जितना 1000 शराब की बोतलों में होता है। जैसे जैसे इसकी एक एक बूंद तुम्हारी रगों में जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारी जिंदगी का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। क्या हुआ, गोली किसने चलाई? लंकेश्वर इसी हॉस्पिटल में है। इसका मतलब सुब्रमण्यम का हॉस्पिटल राजेश्वर का देन है? अब की बार दोनों नहीं बचेंगे, लेट्स गो। लेकिन पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है। इन मरीजों को तुम संभालोगी, ओके? ओके। चलो। Thank you.
तुम लोगों ने अपनी मौत के साथ साथ आज इन बहुत सारे बेगुनाहों को भी मौत की दावत दे दी है। आज देखेगा परमेश्वर कैसे खून बहाएगा राजेश्वर। किशन के साथ है, फिर इन बेगुनाह लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? बेबी शालू बेबी, हमेशा की तरह तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहता आया हूँ, वरना यहाँ से तुम्हारी भी लाश जाएगी। ओके?
बेटी जी, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, मेरा मकसद पूरा हो गया, मेरे जाना होगा। हाँ, ये भी नहीं, ये भी नहीं। शर्मिली, 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 तू कितने गई शर्मिली, शर्मिली? और जी इधर देखो जी मेरे बहादुर। हाँ, ए जी, तुसी भूल गए हो कि मैं मर चुकी हूँ। अब मैंनु जाना होगा, मैं तुनु और तंग नहीं करूंगी। अब तुम खुशी खुशी अपनी चमेली नाल जिंदगी गुजारो। नहीं, मुनु चमेली नहीं चाहिए आएगी। अरे तू मेरे को छड़ के मत जा, मुझे सिर्फ शर्मिली चाहिए आएगी। अरे मेरे शरीर में रहे, मेरे शरीर में है। आज तेरी वजह से ये शक्ति सिंह सही मायने में शक्ति सिंह बना है। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे छोड़कर मत जा शर्मिली, मनु छड़ के मत जा। रब तोनु सुखी रखे। सूर्यास्त करेगा राजेश्वर। मैं जानता हूं तू मुझे गोली नहीं मारेगा, क्योंकि तू इस लड़की को गोली नहीं मार सकता। इस लड़की से तू आज भी बहुत प्यार करता है। तू इस लड़की को कभी गोली नहीं मार सकता, क्योंकि तू इससे प्यार करता है। जा।
रिवॉल्वर फेंक दे, मेरे रास्ते से हट जा। चालू, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार से याद किया है। मैंने भी तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया, मुझे गलत मत समझना, मुझे माफ कर दो। याद है मैंने तुम्हें कहा था, प्यार के बंधन को अगर तोड़ सकती हो तो तोड़कर बताओ। ऐलान करता है परमेश्वर, आज मरेगा राजेश्वर। Is that